मेरा नाम दिव्या अखौरी है एंड uh, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था इन माय फर्स्ट टू अटेम्प्ट आई वाज अनएबल टू क्लियर व्हिच इज व्हाई फिल्स इज अ स्टेज दैट आई वुड स्पेसिफिकली वांट टू वु फॉर टू इयर्स स्ट्रगलिंग विद विदिम्स इज डेफिनेटली समथिंग दैट दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग बिकॉज एक समय ऐसा परसेप्शन हुआ करता था कि फिल्म तो निकल जाता है सो व्हाट इज इट दैट आजकल लोगों के फिल्म लोगो नहीं निकल रहे एंड दैट इज आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अराउंड इट फिल्म ना निकले तो फिर ऐसे दोस्तों को क्या बोले घर वालों को कैसे एक्सप्लेन करें लॉट ऑफ थिंग्स विद द प्रोसेस बट फॉर्चुनेटली विद द थर्ड अटेम्प्ट आई कुड क्लियर फिल्म फाइनली मेक इट टू द लिस्ट एंड टूडे वॉट आई वॉन्ट टू डू इज आई स्टार्ट अ लिटिल बिट विथ माई पर्सनल इंट्रोडक्शन मैंने कहाँ से क्या किया है हाउ दैट हेल्प मी एंड आई वुड टॉक अबाउट ऑल्सो वॉट आई डिड एट यूनिक अकेडमी एंड देन वी कैन ऑल्सो गो हैड एंड डिस्कस स्टेज बाई स्टेज एग्जाम के डिफरेंट uh, जो स्टेजेस होते हैं उसमें किस तरह से प्रिपेयर किया मैंने और मुझे क्या लगता है उसमें से, से कौन से इनसाइट से विच कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट विथ योर ओन प्रिपरेशन सो मैंने अपना बी ए किया है इकोनॉमिक्स से फ्रम फर्ग्यूसन कॉलेज एंड बी ए के सेकेंड ईयर में आई डिसाइडेड टू परस्यू सिविल सर्विसेज ऑनेस्टली इससे पहले मुझे कभी ख्याल नहीं आया था मेरे घर पर भी कभी किसी ने सिविल सर्विसेज के बारे में बात नहीं की थी Uh, 2013 में आई केम टू फर्ग्यूसन कॉलेज और उस समय द करेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री दैट टाइम ही स्टार्टेड इज इलेक्शन कैंपेन विथ फर्ग्यूसन कॉलेज तो वो आने वाले थे और हम भी एक्साइटेड थे कि जाके मिलते हैं देखते हैं uh, क्या बोलेंगे बट बिफोर ही केम ही वॉज प्रोसीडेड बाई अ कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स जिसमें से निकले कई आई एस आई पी एस ऑफिसर्स तो मैंने देखा कि वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई

सो आई रिमेम्बर माई डैड वेरी वेरी ह्यूमरसली अरे ये नहीं पता तो तुम रह नहीं दो ठीक है मतलब छोड़ दो ये नहीं होगा तुमसे सो देन आई टुकेट टू हार्ट ऑब्वियसली और मैंने फिर क्या किया द फर्स्टिंग एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा था सिविल सर्विसेस का की एक ह्यूमैनिटीज बेस्ड एग्जाम था और मैं बी ए कर रही थी सो इट वॉज समथिंग दैट आई वु माइंड स्टडिंग पहले तो वहां से शुरू होता है कि क्या मैं अगले चार साल पांच साल ये पढ़ाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती है मुझे सबने बोला, है, कोई टेंशन नहीं है मेनली राइटिंग स्किल होनी चाहिए स्पीड होनी चाहिए प्रेजेंटेशन uh, होना चाहिए मेन स्किलें तो ये सब कंसिडर करके आई डिसर so, में थी जब आई एनरोल्ड इन टू यूनिक अकेडमी थ्री इज इंटीग्रेटेड बैच एंड uh, शुरू में आई रिमेंबर अमित सर थे हमें जोग्रफी पढ़ा रहे थे प्रवीण सर टेकिंग पॉलिटी पंकज सर टेकिंग हिस्ट्री फॉर अस तो ये इससे हमने पहले शुरू किया था एंड वहीं पे आई रियलाइज दैट दिस इज एटलीस्ट वन प्लेस विच इज गिविंग मी सफिशियंट मटीरियल द काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई नीड द कंटेंट दैट आई नीड टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था आई थिंक इफ़ यू अटेंडेड द लेक्चर यू नो की जैसे अमित सर का ओशनोग्राफी उसके बाद मुझे दोबारा ओशनोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी पंकज सर ने एंशियट हिस्ट्री हमें पढ़ाया था ऑनेस्टली उसके बाद दोबारा एंशियंट हिस्ट्री मेरे को मुझे हाथ लगाने का मन नहीं करता था बट ऑल दैट आई लर्न फ्रॉम एंशियट हिस्ट्री वॉज वॉट सर्ट ऑट तो और जैसे पॉलिटी वॉज वन सब्जेक्ट दैट आई फाउंड वेरी बोरिंग आई स्टिल रिमेंबर प्रवीण सर क्लास में आए थे और बोले थे कि कोई है जिसको पॉलिटी बिल्कुल नहीं पसंद एंड मैंने कोई कुछ नहीं करा था मैंने सबसे पहले हाथ उठाया कि नहीं ये ये सब्जेक्ट सर मुझे नहीं पसंद है सो so, वो सिविक्स वाला जो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत वाला पॉलिटी जो होता है वो मुझे लाइक आई टिल मुझे सुला देता था सो बट स्टिल वहां पर बैठ के द कैंड नोट दाइम एट दैट सस्टेन मी फॉर द कमिंग टाइम्स सो वो थ्री ईयर्स बैच का ये होता है दैट बिकॉज यू गैट सफिशियंट टाइम तो आप कई टॉपिक्स को डिटेल में यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर इट Uh, और एक ये भी होता है सो माई पेरेंट्स बोर इन नोएडा एट दैट पॉइंट इन टाइम तो बाद में फिर बात यह हुई जब मेरा बी खत्म हुआ कि दिल्ली आ जाओ एंड यू कैन डू द रेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फ्रॉम देयर सो आई वेंट टू डेली आई ऑल्सो जॉइन इधर उधर कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड पर्सनली आई फील दैट इट डिड नॉट हेल्प मी द क्लास रूम प्रोग्राम आई वुडेंट टॉक टू क्रिटिकली ऑफ इट बट आई जस्ट सी वॉट आई ऑनेस्टली फेल्ट इन अ हॉल देर आर सिक्स हंड्रेड पीपल जिनको स्टफ कर दिया जाता है आई थिंक वॉट अ वॉल्यूम गेम तो अगर आप छः हजार लोगों को किसी भी तरह से एनरोल कर लोगे उसमें से दस या बीस या पचास भी निकाल ले इट्स नॉट दैट बिग डील एंड इट्स प्योरली समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर ओन एफर्ट विच इज वाई आई फील दैट ट्रूली अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मेरी कहीं पर भी सपोर्ट किया है तो इट वॉज यूनिक अकेडमी राइट फ्रॉम डे वन विच मीन्स आई रिमेंबर की

मेरे मेन्स के पहले भी जो मेजरली मैंने आंसर राइटिंग की थी आई यूज टू गेट ऑल द कॉपीज करेक्टेड फ्रॉम प्रवीण सर ऐसे भी आई वॉज वेरी लेजी सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू राइट एन एसे, बट प्रवीण सर के बोलने बोलते बोलते मैंने पांच ऐसे लिखे थे बिफोर द एक्चुअल मेन्स एग्जामिनेशन सो वॉट हैपन्ड इन माई केस वॉज दैट जहां जहां मेरे वीक एरियाज थे दैट्स वो समथिंग दैट सर वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन इज नॉट पुटिंग एफर्ट हियर और शी नीड्स टू बी यू नो ये इससे करवाना पड़ेगा एंड ही वुड एग्जैक्टली गिव मी असाइनमेंट्स टू डू सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग व्हाट आई वुड से इज दैट यूनिक अकेडमी इज वन सच प्लेस जिसको मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कहना पसंद नहीं आता बिकॉज यहाँ रिलेशनशिप्स आर नॉट वेरी ट्रांजेक्शनल इन नेचर यहाँ पर द द फैकल्टी एक्चुअली गिवज यू पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर सको uh, मुझे तीन फुल प्रॉपर अटेम्प्ट लगे थे एग्जाम क्लियर करने में एंड प्रवीण सर वॉज देयर विथ मी थ्रू एवरी स्टेप ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड इट्स नॉट जस्ट आफ्टर पॉइंट क्या होता है जब फर्स्ट अटम्प्ट सबको लगता है हम मारेंगे एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि फर्स्ट अटेप में होगा ये बट देन वेन यू कान क्लियर फिल्म इन यूर फर्स्ट और सेकेंड अटम्प दैट ऑल्सो इम्पैक्ट योर साइकी योर सेल्फ कॉन्फिडेंस उस समय बी है who understands that what you need right now is, in, is emotional support and encouragement i think this is basically Mujalakta like Praveen sir went out of his way uh, to actually guide us and keep us motivated throughout the journey so what i would tell you is that now that you're here uh, don't just invest in uh, the studies do come i used to come here every day also every weekend hamari class so every weekend because it was a great uh, अच्छा सेशन होता था यू सिटिंग फॉर फोर आवर्स यूर लर्निंग सो मच योर एंड द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट आई मेड ऑनेस्टली वो आज तक मेरे दोस्त हैं दे आर द पीपल दैट अपार्ट फ्रॉम मीटिंग सर दे आर द पीपल दैट आई केम हियर फॉर हु आर टूडे सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस विद मी सो यहाँ पर डोंट सेक्लूड योर सेल्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे एंड किसी से बात करने की जरूरत नहीं है आई थिंक uh, इस, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह दैट द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई मेड यियोर जब मेरा प्रेलम्स नहीं क्लियर हो रहा था आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट

एंड फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स एटीन में मेरा बी ए खत्म हुआ था एम uh, ए खत्म हुआ था एंड द थिंग विद जे एन यू इज दैट ऑफकोर्स इट्स वेरी रिगरस तो वॉट आई रियलाइज इज दैट वो दो साल जो है आई वुड नॉट गिवेन अटैम्प्ट एंड द रीजन फॉर दैट वॉज दैट आई ऑल्सो डेंट वॉन्ट टू बी इन अ प्लेस लाइक जे एन यू एंड देन ऐसा ना फील हो दो साल बादल दैट आई कुड लर्न एंड अब्जॉर्व फ्राम द प्लेस वो मैं कर नहीं पाई जे एन यू यू मस्ट एव वॉट हैजन कल्चर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वेरी पोलिटिकल

मतलब मैं भी जब मैंने एग्जाम शुरू किया था देना तब सब बोलते थे कि पे पास पेपर एनालाइज करो एनालाइज करो एंड आई डिट नो कि इसका मतलब क्या है बिकॉज आई वो सॉल्विंग पास पेपर एवरी ईयर नो एनालाइज एनालाइज करना मतलब एम आई नॉट डूइंग राइट सो पेपर करना अगेन आई वुड टेल यू दैट इट इट वॉज वॉट हेल्प मी सेल थ्रू प्रम्स एंड एनालिसिस के भी आप देखिए उसमें कई पार्ट होते हैं द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज वॉट आर द एरियाज जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है ली पॉलिटी हिस्ट्री हम सब जानते हैं बट देर आर लॉट ऑफ एरियाज यूपीएससी एज स्टार्टेड टू फोकस ऑन जिसपे हम फोकस नहीं कर पा रहे सो दो एरियाज आर फॉर इंस्टेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी उससे काफी क्वेश्चन आते हैं उसमें ए आई है या फिर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है

तो वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे आई थिंक दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर बिकॉज वो फोर्टी तक तो कर लेते हैं सब लोग द अदर फोर्टी फोर्टी फाइव क्वेश्चन सिंपली मैं बोलूंगी उसको आप लॉजिकल गेस वर्क बोल सकते हो आप उसको एलिमिनेशन भी बोल सकते हो एंड उसको कई लोग ट्रिप्स एंड सॉरी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी प्रम्स इस तरह से भी उसको बोलते हैं बट दीज आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल बिकॉज दे हेल्प यू लॉजिकली ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन होगा ये दैट आजकल जो प्रिलिम्स का पेपर है उसमें अक्सर इवन इन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन एक कोई ऑप्शन को पता है ठीक है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वॉट डू वी डू विद स्टेटमेंट टू थ्री फोर उसमें ये टेक्निक्स बहुत काम आते हैं राइट सो so, जैसे एक टेक्निक है वर्ड एसोसिएशन इफ यू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड एसोसिएशन वर्क देन यूल टू ब्रेक डाउन नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे एक बहुत ही सिंपल फंडा बोलते हैं कि अगर नंबर दिया है तो वो इनकरेक्ट है अगर फैक्चुअल डेटा दिया है तो वो इनकरेक्ट है नाउ दिस इज नॉट अ कोसिव स्ट्रेटेजी बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू सी आप मार के आओगे और वो नंबर सही होता है बट वॉट दिसन इट से तो नंबर नेम्स ये सब इजिली मेन्यूपलेबल वेरिएबल्स होते हैं राइट right? तो जब आप ये माइंडसेट लेके उस एग्जाम में जाओगे आपको सिर्फ ये जानना है कि मुझे इन ऑप्शंस में से वेयर एम आई बीइंग मेन्यटेड

वो किस ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम करके रखा गया था ठीक है तो वहां पे कई ऑप्शन थे बट इफ यू जस्ट यूज वर्ड एसोसिएशन राइट अ वर्ड लाइक होम रूल एंड अ वर्ड लाइक स्वराज एंड यू रियलाइज दैट दीज टू आर रिलेटेड सो द ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव बीन रीनेम्ड एज सच उसका कोई रिलेशन होगा उन दोनों के बीच सो दिस इज फॉर इंस्टेंस वर्ड एसोसिएशन ठीक है और भी ऐसे क्वेश्चंस होते जैसे कि एक बड़ा हिंदी सा, एक सभा का नाम दिया हुआ था और पूछा था इसमें से कौन उनके फाउंडर है व्हेन यू गो थ्रू द लिस्ट यू रियलाइज एक ऑप्शन है जिसमें टू पीपल आर मैं राइट इट्स वेरी अनलाइक्री पीपल वाले हिंदी साउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड ऑप्शन में आपको दो साउथ इंडियंस दिए गए इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट देव कम अपर्टिकुलर ऑर्गेइजेशन बट यू हैव टू एलिमिनेट दूसिंग वट एवर लॉजिक समटाइम्स इवन अब्सर्ड दू कैन टू एलिमिनेट दिस इज वॉट आई मीन बायिमिनेशन एंड लॉजिकल गेस वर्क एंड आई थिंक आज प्रिलम्स क्लियर करने के लिए जिस तरह का पेपर आपने ट्वेंटी ट्वेंटी का देखा होगा आई वॉज वेरी स्कैड आई ओपन द पेपर एंड आई थैंक माई स्टार दैट आई डिड नॉट है बट ऑनेस्टली अगर आप आज पेपर देखेंगे यू वुड रियलाइज दैट आफ्टर अ पॉइंट इट इज योर लॉजिक एंड योर बेसिक रीजनिंग दैट सेल्स यू थ्रू प्रिल्स यू कैन नेवर हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर फॉर प्रिलम्स स्टेज मीन्स ऑन दर हैंड आई थिंक इज द मोर प्रिडिक्टेबल स्टेज अब ट्रिक है वहां तक पहुंचना जिसके लिए आई थिंक प्रलिम्स का इफ देर इज एनी मोर क्वेश्चन ऑन लेट्स टॉक अबाउट यूर एंक मेरा मीन्स मे वॉट सेल्ड मी थ्रू वज माई एसे पेपर थैंक्स टू प्रवीण सर हू मेड मी राइट सो मेनी सो आई वॉज एबल टू गेट अ स्कोर आई बिलीव इज अ गुड स्कोर फॉर एसे एंड आपको ये आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है वॉट आर योर स्ट्रेंथ राइट right. एंड एक चीज जो मेन्स का बिगेस्ट गिव अवे इज योर सिलेबस given दैट so सो detailed, इंक्लूडिंग फॉर ऑप्शनल कि वो आपको बता देते हैं यार ये टॉपिक है इसका मुझे इफेक्ट बता दो मुझे इसका पॉजिटिव नेगेटिव दे राइट एवरीथिंग डाउन एज टू वॉट दे डिमांड फ्रॉम दिस पर्टिक्यूलर सब टॉपिक देअर फोर द की टू मेन्स इज नंबर वन टू फिनिश ऑफ दिलेबस

वो वर्ड लिमिट आपको अधेर करना है उतनी देर में आपको अपना आंसर लिखना है एंड वॉट आई वुड से इज गो थ्रू टॉपर्स कॉपी बिकॉज एर वेरी इंस्ट्रक्टिव इट टेल्स यू दैट वट इज इट दैट पीपल हु क्लियर आर डूइंग इट इट टेल्स यू कि आप शायद कुछ अलग कर रहे हो और आर यू एक्चुअली फॉलोइंग इन टू द पैटर्न मीन्स में जी एस वन टू थ्री जस्ट फॉलो द पैटर्न वॉट द टॉपर्स आर डूइंग दे आर डूइंग इट करेक्टली मैं ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ तो ऑब्वियसली राइटिंग इन पॉइंट्स इज नॉट समथिंग दैट आई एंजॉय

सो वॉट आई वुड से मेन्स के प्रिपरेशन के लिए द फर्स्ट स्टेजेस टू हैव कंटेंट कंटेंट के लिए आप क्या करिए लेट्स टॉक अबाउट एमएसपी एम एस पी को एक ब्लैंक शीट पे लिखिए ठीक है टेक फाइव मिनिट द थिंग इज न कि आप कितना भी पढ़ते जाएंगे वट आई वॉज डूइंगटिंग फ्रॉम अ वेरी डिफेंसिव स्टैंड पॉइंट मुझे ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी मुझे रिसोर्स दो किताब दो मैं पढ़ लेती हूँ हो जाएगा मेरा बट अनलेस यू ब्रेन स्टॉम वॉट यूर डूइंग इज यूर नेवर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट कुड भी आस फ्रॉम दीज एरियाज So, MSP लिखो, पूछेंगे, 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 पूछेंगे. एक ए फोर शीट में आप वो सारी चीजें लिखो योर नोट्स आर डन दैट सब पॉइंट इज डन दैट इज योर कंटेंट बिट कीप इट असाइड आपका कंटेंट प्रिपेयर हो गया है राइट यू नीड अ लॉट ऑफ डेप्थ राइट एज अपोज टू दैट इंटरव्यू में क्या होता है थोड़ा सा वो आपको एनालिसिस की भी बात करते हैं an, ताकि कोई भी करंट इशू uh, uh, है तो आप उसके फेसेट्स को और अच्छे से एनालाइज करके बता सके बट फॉर मीन्स दैट इज नॉट एग्जैक्टली वट इज वट दे लुकिंग फॉर राइट वो आपको की वर्ड देंगे क्वेश्चन में वट आर द लिमिटेशन ऑफ समथिंग आपको लिटरली इंट्रोडक्शन लिमिटेशन कंक्लूजन खत्म राइट सो ऑलवेज हैव द एंड गोल इन माइंड मेरा एंड गोल क्या है जो मैं इससे अचीव करना चाह रही हूँ राइट सो जे में जब मैं थी माई एंड गोल वॉज टू लर्न एज मच एज आई कूड टू रीड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज जो भी एज मच डेप्थ एज आई कुड गैदर दैट वॉज माई एम बिकॉज इट्स अ रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे यू जस्ट हैुलर क्वेश्चन एंड फॉर दैट फिनिश द सिलेबस सिलेबस इज की योर सिलेबस फिनिश करने के बाद योर कंटेंट पार्ट इज डन देन कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट आपके जो नोट में आपके आंसर लिखे हुए आपको उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिप्रोड्यूस करना है इन द मेन्स एग्जामिनेशन नाउ द मेन्स एग्जामिनेशन दो चार वेरिएबल का ध्यान रखना होता है राइट फर्स्ट इज यू टू फिनिश द पेपर विच मीन्स की तीन घंटे में आपके पास वो स्पीड होनी चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो सेकेंडली यू हैव टू राइट एवरेज टू अब एवरेज आंसर Therefore, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पांच क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख के आ रहे हैं एंड बिलो एवरेज इट रीलीवरऑल वेल्स इज के सारे आंसर एवरेज टू अब एवरेज हो राइट right? तो आपको एक तो अपना उसमें अबरेज बनाने के लिए एक तो आपका बेसिक बॉडी है राइट इफ यू हैव स्पीड यू आर रीप्रोड्यूसिंग दैट लेकिन having a relatively legible handwriting,

उसमें काम आता है टेस्ट सीरीज नाउ लोग मुझसे जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कितने टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है क्या आई वुड से नेवर पुट अ क्वांटिटेटिव टारगेट बिकॉज़ क्वांटिटेटिव टारगेट को आप माइंडलेसली पॉसिबल करते हो rather i would say solve just five but invest in those five papers They demand quality from yourself in those five papers so यहाँ पे व्हाट आई वुड से कि सबसे पहले आएगा आपका सेल्फ असेसमेंट खत्म कर रही हूँ कर रहा हूँ नंबर टू वेन आई लुक एट माई पेपर डू आई लाइक इट क्या मुझे लग रहा है माई इंट्रोडक्शन इज वेरी स्लीक स्लीक का मतलब यह है कि यूजली क्या होता है इंट्रोडक्शन दो तरीके से करते हैं हम इधर इफ यू डोंट नो अ फैक्ट वी गिव अ डेफिनेशन इफ यू नो अ फैक्ट वी गिव अ फैक्ट बहुत ही मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट नो प्रोबेबली पॉइंट और एल्गोरिथम टू क्लियर दिस एग्जाम तो उसमें ये है कि ये दो चीजें तो अगर एमएसपी की हम बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए एमएसपी क्या है उसका डेफिनेशन क्या है अगर आपको कोई उससे रिलेटेड फैक्ट पता है कोई कमिटी पता है जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोट्स दैट इज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिगिन राइट तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है वेर वी इवन वेन वी स्टडी लेस इट इज क्वालिटेटिव राइट पांच पेपर आप सॉल्व कर लिए करिए बट वहां पर सेल्फ असेसमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन वाई डू वी गिव दैट पेपर फॉर सबमिट you know, क्यों करना है जैसे टेस्ट सीरीज में क्या होता है यू गेट अ सेकेंड ओपिनियन आपने अपना असेसमेंट किया क्वाइट ऐसे चांसेस होते हैं दैट मे बी यू आर ओवर एस्टिमेटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ सेकेंड ओपिनियन तो जैसे मैं अगर सपोज किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी पेपर सॉल्व करती थी आई वुड सेंड इट टू प्रवीण सर बिकॉज देन वॉट हैपन्स यज बिकॉज यूनीक गेव मी दट स्पेस वेर आई कुड क्रिएट दैट पर्सनल ट्रस्ट आई न्यू दट वर इज चैकिंग माई पेपर ही इज बींग एज ऑनेस्ट एंड एज क्रिटिकल एज पॉसिबल एंड हीफाई दोस्टेक्स आई एम ओवर लुकिंगे एक फेथ बेस्ड चीज होती है जो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में डेली की कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे ये कंप्लीटली लैकिंग लगा ये पर्सनल मेर, रिलेशनशिप मेरा नहीं बिल्ड हुआ वहां पे विच आई वॉज एबल टू क्रिएट योर सो नाउ दैट यूर ह्यूर डू यूटिलाईज ऑल दीज ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स ईट अपय आई यूज टू आज सो मेनी क्वेश्चन एंड Ankit sir would know. I used to interrupt him every 10 minutes and he would still take up all my doubts. And you know, wo ruk jayenge, but they would clear all your doubts. So, as much as you can extract from this experience, please do that. और पूरे एग्जाम को एकदम स्ट्रेटिजिकली अप्रोच करिए सिलेबस uh, के साथ व्हाट आई वुड से इंगेज विद दैट सिलेबस उसको सबसे पहले तो आप चिपका दीजिए अपने दीवार पे बट देन डोंट जस्ट लेट इट बी देयर कि अच्छा लगा हुआ है और मुझे किसी तरह से खत्म करना है बी एक्साइटेड अबाउट इट ठीक है यार आज एमएसपी पढ़ रहे हैं या कोई और टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं then what you do is that just think कि अच्छा मुझे ये जानना है ये पांच चीजें मुझे पता लगानी है be creative be active passively कोई काम नहीं करना है नहीं तो फिर उसमें passive करते करते I wasted two years right and a lot of people waste even more तो उसका कोई मतलब नहीं है so that is about mains यहाँ mera sociology optional hai so if anybody wants to know something about that I think we can talk about it separately but overall optional ko bhi approach karne ka yahi tarika hai except that optional requires certain amount of depth ऑप्शनल में क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखे थे आई डिड नॉट गो बाय पॉइंट फॉर्मूला तो मेरा ऑप्शनल में ये एम था दैट आई एम एबल टू टेल देम दैट आई डिसिप्लिन वेरी वेल फॉर विच हैविंग सम डेप्थ नोइंग कर्सरी थिंकर्स एसोसिएट सॉरी एसोसिएटेड टू द टॉपिक दैट I would talk about particularly is SA and GS4 because these two are basically वो papers जहाँ आपको बहुत स्कोर करने का चांस है राइट एसे में तो टू इम्प्रेस विद द कांड ऑफ एस दैट यू आर प्रोड्यूसिंग सो लेट्स सो आई वुड से फोकस ऑन दीज टू पेपर ऐसा मत करना कि ऐसे बिना प्रैक्टिस किए पहुंच जाओ वहाँ पे डोंट दैट एस शुड नेवर बी योर फर्स्ट एस एट यू राइट सो ऐसे के लिए क्या है द बुटी ऑफ एस एन जी एस फोर एंड बाई आई लाइक दम इज दैट डे अलाउ अ लॉड ऑफ ऑर्नामेंटेशन और क्रिएटिविटी तो मेरे को हमेशा से ये था दैट मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना एंड द लैंग्वेज दैट आई वाज कंफर्टेबल एन वाज इंग्लिश तो मुझे ऐसा था कि इफ़ यू पॉइंट लिखने में बोर हो जाऊंगी बट आई कैन राइट फिफ्टीन पेजेस अबाउट समथिंग एंड आई वुड इंजॉय राइटिंग दैट तो ऐसे पेपर का आइडिया ये दैट ऑर्नामेंटेशन से मेरा मतलब ये है दैट यू कैन यूज वो फ्लावरी लैंग्वेजेस को कहते हैं राइट मेक योर लैंग्वेज एज लोक्ट एज पॉसिबल

पोएम लिखिए आप कोर्ट लिखिए आप माइथोलॉजी यूज करिए सो आई हैड दिस एक पे शायद इस बार ऐसे में एक क्वेश्चन आया था एंड इन दैट आई इंट्रोड्यूस्ड माय एस विथ आई थिंक हाँ सम स्टोरीज फ्रॉम महाभारत एंड रामायण आई देम टुगेदर इन माय इंट्रोडक्शन टू टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ पेटिया के एंड देन वाई कंक्लूडिंग आई यूज दिस पोएम बाई माया एंजलो तो आई थिंक फोनोमिनल वन तो ऐसा है कि ये एक पेपर है जहाँ पे आप काफी और इसमें भी वट आई वु से दुनिया की सारी पोएम पढ़ने की जरूरत नहीं है द थिंग इज आपको पता है वीमेन पे ये फोकस करते हैं हेल्थ पे फोकस करते हैं एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो वो वाले पोएम्स को आप थोड़ा देख लीजिए कि कि किससे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कंक्लूजन कर सकते हैं सिमिलरली आई थिंक एक और ऐसे था उसमें uh, रबींद्रनाथ टैगोर जी का एक पोएम है वे द माइंड इज विदाउट फ्यूर। सो आई यूज दैट टू कंक्लूड माई आंसर्स एंड लर्निंग फोर फाइव पोएम्स देन बिकम्स एन एसेट आई नो अ फ्रेंड स्कोर्ड ग्रेट मार्क्स, उसने हैरी पॉटर से इंट्रोडक्शन किया था सो देर इज नो लिमिट टू वॉट यू कैन डू इन योर ऐसे पेपर जस्ट कीप योर माइंड ओपन इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जी एस वन टू एंड थ्री

यू विल बी रीप्रोड्यूसिंग इन एस एर ऐसे में सब्सटैंडियट करना होता है यू कैन जस्ट कीप क्लेमिंग एंड मेक यूर रेटोरिकल स्टेटमेंट यू हैव टू सब्सटियड एंड इज वेर आपका जीएस का प्रिपरेशन इज सफिशियंट टू गिव यूज फैक्ट ऐसे के लिए फैक्चुअल प्रिपरेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी होती है जीएस फोर में यहाँ पे थोड़ा सा थिंग्स आर लिटल डिफरेंट जीएस फोर इज वन पेपर जहां जिसका अपना एक लैंग्वेज है अपना एक लॉजिक है

नाउ द सेकेंड थिंग जो एथिक्स का पेपर है उसके दो पार्ट्स हैं वन इज योर टेन मार्कर्स एंड द अदर इज योर केस स्टडीज नाउ केस स्टडीज हैज अ वे ऑफ राइटिंग इट हैज अ फॉर्मैट वो फॉर्मैट आई वुड अगेन रेकमेंड यूज द टॉपर्स कॉपी एज अ शॉर्टकट उसमें उनके सारे जो भी आपको फ्लोर चार्ट जो अच्छे लग रहे हैं वो आप अपने जस्ट यूज इट टू इनहस योर ओन आंसर्स उसमें द फॉर्मैट इज गिवेन फॉर हाउ यूर सपोज टू राइट योर केस स्टडीज वो फॉर्मेट फॉलो करते हुए अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू बी क्रिएटिव आप काफी कंक्लूजन में रेटोरिक्स का यूज कर सकते हैं सपोज इज अ सिविल सर्वेंट दैट यू सीन वर्किंग हु हैज शोन इमेंस इन हिज वर्क एंड देन यूज हिज लाइफ एज अ कंक्लूजन टू योर आंसर्स उनकी लाइफ स्टोरी से जस्ट टेल दैट दिस इज द सो एंड सो पर्सन इज रियली इंस्पायर्ड मी इवन एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री सो आई टेल यू कि जो टेन मार्कर्स था उसमें एक क्वेश्चन uh, था जहां स्वामी uh, विवेकानंद जी का एक कोट दिया हुआ था द कोर्ट वॉज कंडेम नो वन अगर आप किसी से डिसग्री करते हैं तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए एंड इफ देर नॉट कन्स विश योर ब्रदर्स ये एक कोर्ट था अब टेन मार्कर्स में क्या है यूज देर एंटायर वन फिफ्टी वर्ड टू एक्सप्लेन अ कोर्ट विच कुड बिन एक्सप्लेन इन फिफ्टी वर्ड कोर्ट की बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोर्ट नहीं है इसको आप पचास वर्ड में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहे होंगे

When he could not change INC, he decided to wish his brothers well and then go his own way. Here, use rhetorics, you know, the fact that even though he disagreed with Mahatma Gandhi, he still went ahead and called him father of the nation. That is a story that sticks with you and will stick with the examiner. So ka just have a separate book, just call it your essay ethics book and write all of the, those things, GS1 ka knowledge aapne kis se? you've used it in GS4 to enhance your answers. So. आइडिया इज की जी एस फोर और ऐसे क्रिएटिव लिबर्टी बहुत देता है एंड यू वुड स्कोर मच बेटर मार्क्स इफ यूर एबल टू यूटिलाइज दैट क्रिएटिव लिबर्टी दैट इज गिवन टू यू अगेन नो रिस्ट्रिक्शंस पीपल राइट रेलिवेंट सॉन्ग्सम्स टू देर ऐसे पेपर अगर आप गाने सुनते हैं आप गाने वहां लिख सकते हैं आप पोएम पढ़ते हैं आप पोएम लिख सकते हैं आप मूवीज देखते हैं माई फ्रेंड सेट हैरी पॉटर आप उसको भी यूज कर सकते हैं सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन एंड यूज दैट टू योर एडवांटेज सो दिस इज अबाउट द मेन स्टेज

स्पीकिंग स्किल अब जैसे मेरा इंटरव्यू लास्टेड फॉर अबाउट इन थर्टी मिनट प्रॉबली बम्बार्डेड विथ फिफ्टी क्वेश्चन और उसमे यू टू आंसर फटाफट एंड इट्स नॉट दैट पीपल डोट है अगर आप अपनी बात कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो you may have all the knowledge in the world you would still not be able to create that impression in front of the board therefore make sure that up, you know if you are in a group of people just try speaking in if english is the language that you've chosen so english may aap baat if you've chosen some other language use that but get a grip on the language that uh, you know you would use for your interview uh, the second thing that you can do is so there is something called detailed application form Uh, जिसमें आप अपना विच इज बेसिकली आई लाइक योर बायोडेटा योर रेज्यूमे मुझे पता भी नहीं था मैंने बस सुना था डाफ भरते लोग जब तक मुझे डाफ भरना नहीं पड़ा आई डिड नॉट इवन नो कि ये क्या होता है बट डाफ इज बेसिकली योर लाइफ ऑन अ पेपर आपका जन्म कहाँ हुआ आप, कहां आप से पढ़े एंड ऑल ऑफ दैट राइट सो यू कैन डू इज जस्ट बी माइंडफुल आप अभी पुणे में है जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द सिटी दैट यूर लिविंग इन मुझे बाद में पूरा पुणे में फोन करके दोस्तों को कॉल कर रही थी मैंने आपसे अच्छा बताओ पुणे में कहाँ घूमते हैं हम ठीक है सो डोंट बी लाइक दैट बी वेरी माइंडफुल आप यहाँ पे रह रहे हो अंडरस्टैंड द प्लेस दैट यूर लिविंग इन एंड ऑलवेज लास्ट थिंग आई वुड से हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक दैट रियली हेल्प मी इन द इंटरव्यू बिकॉज इंटरव्यू इज अगेन वन स्टेज जिसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेसन नहीं कर सकते हो सो so, मेरे जो पैनल था दे वो फाइव मेंबर्स ऑन द पैनल एंड एट्टी परसेंट ऑफ माई इंटरव्यू ऑन माई डैफ एंड करंट अफेयर सो आई वॉज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट बाय बाय द टाइम देंबर्स डील विद्सो नो प्रॉब्लम एंड द फिफ्थ मेंज नॉट गनी थे डैफ और माई यूपीएससी प्रिपरेशन So he went a step ahead and he's like, and I'll just give you two examples. He asked me, Indian Idol 12 ka winner. Kaun hai. <laughs> so I was like, and fortunately, what happened was my mom used to watch Indian Idol. So I didn't know who won, but she bet with me, ki ye ladka jitega. <laughs> So I didn't know who ye ladka kaun hai. But the point was, I could remember the description. So I gave the description. And uh, another question that was asked to me was, uh. Vaikunt log ke bahar.

So, end of the day, there will always be unpredictability in the interview stage. The best thing that you can do is develop integrity, honesty, and a sense of humor. Go there, nahi aara, uh, They'll also laugh with you because they know that they're trying to trick you there. Just laugh with them. Uh, apologize for what you should have known, but you don't. But what you cannot afford to do is to not know your daff well.

अगर इफ़ यू हैव अ दिस थिंग एक्सपीरियंस लाइक मी वे यू ट्रैवल टू प्लेसेस एंड ऑल जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दोज प्लेसेस एंड नंबर थ्री इससे पहले आप मुझसे पूछो हाँ हॉबी होनी चाहिए उसे डालना भी जरूरी है एंड यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द हॉबी दैट यू आर पुटिंग राइट Therefore, you don't have to put 10, just put two that you're very comfortable with. So I put singing 12 I didn't know. So <laughs> end of the day, you can't control everything. But yeah, I felt that I'm mindful, it would have probably helped me fetch even more marks. So yeah. So this is about um, the different stages of uh, the examination. Subscribe the unit Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos.